कोटा के बोरावास निवासी देवा गुजर की हत्या। सैलून की दुकान पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कोटा का डॉन देवा गुजर 4 अप्रैल को अपने साथियों के साथ सैलून की दुकान पर जाता है। उसी समय हमलावरों द्वारा हमला कर देवा गुजर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात का वीडियो, जिसमें कहीं हथियारे हाथ में कुल्हाड़ी डंडे व खून से लथपथ कपड़ों के दुकान से बाहर निकलते हैं। दो हथियारे दुकान से बाहर आने के बाद फिर अंदर जाते हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे के हाथ में लोहे का सरिया दिखाया जा रहा है। सैलून की दुकान से एक हथियारा सफेद कपड़ों में हाथ में लाठी लिए निकलता है। देवा डॉन हत्याकांड को लेकर अब तक पुलिस ने 5 लोगों को किया राउंड अप। अलग अलग ठिकानों पर पुलिस छापा मार रही है। बताया जा रहा है कि देवा का करीबी यार मित्र बाबूलाल गुजर ने देवा डॉन की हत्या करवाई। देवा का करीबी यार, जिसके साथ देवा रील्स बनाता था, उसी ने मारा। शरीर पर 18 से ज्यादा घाव मिले। घर वाले बोले 5 महीने पहले दोस्ती हुई थी, 8 दिन पहले मारने की धमकी दी थी। देवा गुजर का शव उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन आईजी की समझाइश के बाद बनी सहमति। देवा गुजर के परिवार को 5,00,000 का मुआवजा। सभी आरोपियों पर 302 का केस दर्ज कर गिरफ्तारी होगी। मृतक के परिवार में किसी एक को नौकरी मिलेगी। रावत भाटा CI को लाइन हाजिर किया गया। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।